This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, पानी का इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया। इटली में हुए G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौट आए हैं। पीएम मोदी ने G7 समिट में दुनिया के नेताओं से बात की। दिल्ली में पानी की कमी के बीच मैदान गढ़ी इलाके में लोगों को टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर ने भक्तों के लिए 11 मिनट और 50 सेकंड की आभासी वास्तविकता दर्शन की शुरुआत की। कुवैत में आग लगने की घटना पर राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि यह बहुत दुखद है। केरल के ज्यादातर लोग काम के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद इटली से रवाना होते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि अपोलिया में G7 शिखर सम्मेलन में बहुत ही उपयोगी दिन रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी रोपवे विद्यापीठ स्टेशन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार 15 जून को मुलाकात कर सकते हैं। नीट पेपर को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। इस मुद्दे पर खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। वही इस पर तेजस्वी यादव ने BJP को आड़े हाथ लिया है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा ईद उल अजहा के लिए बुलाई गई बैठक में CM एकनाथ शिंदे का बकरा ईद की तैयारियों पर सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए हम आभारी है। सुनेत्रा पवार मैदान में एकमात्र उम्मीदवार है, इसलिए उनके संसद के उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। वे बारामती से सुप्रिया सुले के सामने चुनाव हार गई थी। लोकसभा चुनाव में MPA के तहत आने वाली उद्धव गुट की शिवसेना का स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा। शिवसेना UPT 21 में से केवल 9 सीटें जीत सकी, जबकि कांग्रेस ने 17 में से 13 पर जीत हासिल की है। अजित पवार ने छगन भुजबल की नाराजगी को लेकर कहा कि विपक्ष समेत कुछ लोग ऐसी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है। सुनेत्रा पवार के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे। श्रीना बोरा मर्डर केस की सुनवाई अब 27 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जली हुई हड्डियों के अवशेष नहीं मिले, अब तक इस मामले की 3 बार सुनवाई टल चुकी है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में अंतिम संस्कार के दौरान कुछ लोगों ने PPE किट पहनकर मृतक को मुखाग्नि दी है। दरअसल अंतिम संस्कार के दौरान उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र। राज्य में सितंबर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र होगा। बजट 28 जून को पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी CM और BJP नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे खिलाफ फेक नैरेटिव चलाई गई है, जिसको हम रोक नहीं पाए और हमारी स्थिति कम हुई है। घरेलू शेयर बाजार में लगातार 3 दिनों की छुट्टी पड़ी है। शनिवार और रविवार के बाद BSE और NSE पर सोमवार को भी कारोबार नहीं होगा। विभिन्न दालों की कीमतें लंबे समय से आम लोगों को परेशान करी हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि उनके भाव में अगले महीने से कमी आ सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्वरी वाघ और मोना सिंह की फिल्म मुंजा बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करी है। फिल्म का कलेक्शन काफी अच्छा जा रहा है। इस मूवी ने अपना बजट तो निकाल लिया। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।